लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद थाना मक्खनपुर क्षेत्र नए बाईपास पर इंद्रई चौराहे के समीप एक मोटरसाइकिलों से लोड ट्रक अचानक असंतुलित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार करीब आधा दर्जन सवारियों में चीख पुकार मच गई और चालक मौके से फरार हो गया। जबकि क्षेत्रीय लोगों ने ट्रक में सवार सवारियों को बाहर निकाला, जिसमें दो सवारियों गुड़गांव के भाटिया भोजपुर निवासी 34 वर्षीय सरिता पत्नी ब्रजेश और कन्नौज निवासी गीता देवी पत्नी मदनलाल घायल हो गए। सरिता के पति ब्रजेश और बच्चे विशाल कामिनी सुरक्षित रहे। इन्हें सुबह 7 बजे करीब डायल 100 द्वारा जिला अस्पताल के सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया। यहाँ ब्रजेश ने बताया कि आज तड़के 3 बजे की घटना है, ड्राइवर ने एक ढाबे पर खाना खाया और उसके बाद से ही ट्रक तेज चलाने लगा। हमने उतारने की कहा तो नहीं सुना और मक्खनपुर में एक मैक्स को बचाने के चक्कर में मोड़ने पर पलट गया। और आगे बताया कि कई बार पुलिस और 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन आपने किस फोन किया था पुलिस को? जी, काफ़ी लोगों ने फोन किया, कम से कम 10-12 लोगों ने फोन किया। उसके बाद भी कितना टाइम लग गया, 2-3 घंटे पुलिस नहीं आई। जी, पुलिस 2-3 घंटे तक अभी आई। सवाल एम्बुलेंस को भी फोन किया? जी, एम्बुलेंस को भी किया। अभी 100 नंबर की गाड़ी आई, उससे आया। एम्बुलेंस भी नहीं आई? एम्बुलेंस अभी नहीं आई। करीब कितने, 2-3 घंटे की बात है? जी, 2-3 घंटे हो गए। इंटरनेशनल स्कूल फिरोजाबाद में शानदार खेल का मैदान, छोटे बच्चों के लिए खेलों की विशेष सुविधाएं, 60 कंप्यूटर सहित युक्त कंप्यूटर लैब, संगीत की अलग से शिक्षा, नृत्य सिखाने के लिए अलग से व्यवस्था, साइंस लैब, लाइब्रेरी की सुविधा आदि सुविधाओं के साथ संपूर्ण शिक्षा एवं बच्चों में संपूर्ण विकास के लिए समर्पित। बात के सभी नगर वासियों को, जैसा कि हम जानते हैं अगस्त का महीना है और सभी लोग जो है, रक्षाबंधन आने वाला है, जन्माष्टमी है, ईद है और हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, तो सभी नगर वासियों को आईवी परिवार की तरफ से 15 अगस्त की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिरोजाबाद को साफ रखें, स्वच्छ रखें। धन्यवाद।